हाय एवरीवन, वेलकम टू हंग्री वेकेशंस। आज हम एक सकुलेंट प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हेवोर्थिया ज़ेब्रा। ये एक तरह की बम्पी स्ट्राइप्स होती हैं, वाइट कलर की जो इसके ऊपर होती हैं, इसको एक बहुत ही यूनिक लुक देती हैं और ये बहुत ही अमेजिंग लगता है रखा हुआ है। ये एक लो लाइट इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी टू केयर है और एक बेस्ट सकुलेंट प्लांट है बिगनर्स के। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हेवोर्थिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। स्टार्ट विद द रीपॉटिंग प्रोसेस। सबसे पहले मैं आपको हेवोर्थिया को रीपॉट करके दिखाती हूँ। अगर आपने अभी तक कोई सकुलेंट को नहीं ग्रो किया है फ्रेंड्स, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप सकुलेंट्स ग्रो कर सकते हैं। और हेवोर्थिया वो वन ऑफ द ईजिएस्ट सकुलेंट है जिसको आप घर में ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी क्लीन रूट्स हैं इसकी, ये देखिए। जितनी भी डेड लीव्स इसके अंदर है उसको मैं रिमूव कर दूंगी। इससे ये फ़ायदा होगा फ्रेंड्स कि इसकी ग्रोथ अच्छे से इंक्रीज़ होगी, कि इसके अंदर न्यू ग्रोथ आ रही है। वाइट कलर की रूट्स का मतलब है ये प्लांट हेल्दी है और हेल्दीली ग्रो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी इस टाइम पर मैं क्या करूँगी, कुछ नीचे की तरफ से अच्छी मैच्योर लीव्स को ट्विस्ट करते हुए मैं रिमूव कर लूँगी और मैं आपको बताऊँगी बाद में कि मैं इनका क्या करने वाली हूँ। आपको लीव को इस तरह से ट्विस्ट करके निकालना है, इसे बीच में से ब्रेक नहीं होने देना है, ये पूरी कम्प्लीटली इसमें से रिमूव होनी चाहिए। तो अब हम इसे नए पॉट में लगाएंगे। ये मैंने पॉट इसके लिए रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने इस होल को कवर करने के लिए इसके अंदर ये स्टोन रख दिया है। और ये है मेरा सकुलेंट मिक्स, सॉइल मिक्स। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप का सॉइल मिक्स होता है सकुलेंट्स के लिए फ्रेंड्स। अगर आप सकुलेंट सॉइल मिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं अब इस नए वाले पॉट के अंदर ये सकुलेंट सॉइल मिक्स को फिल करूँगी। चलिए अपने प्लांट को लगाते हैं। हेवोर्थिया को इजी टू ग्रो प्लांट इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से पेस्ट या बग्स नहीं लगती हैं। हेवोर्थिया गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इजी टू केयर है, ज़ीरो मेंटेनेंस है, लो लाइट में बहुत अच्छे से चल जाता है, ज़्यादा सनलाइट इसे नहीं चाहिए। वाटरिंग भी आप देखिए, सकुलेंट्स तो आपको पता ही होगा कि बहुत कम पानी में चलते हैं, इसलिए वाटरिंग भी इसे ज़्यादा नहीं चाहिए। 10 डेज़ में एक बार अगर आप इसे प्रॉपरली पानी दे देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता रहेगा, जल्दी से डेड भी नहीं होता है। अगर आपको सकुलेंट की हेल्थ को चेक करना है फ्रेंड्स, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसकी लीव्स की क्वालिटी को देखिए। अगर लीव्स थिक है और रिजिड है, इसका मतलब ये हेल्दी है। और अगर सिर्फ नीचे नीचे की लीव्स ख़राब हो रही हैं, झड़ रही हैं, तो इसका मतलब प्लांट हेल्दी है। और अगर लीव्स बीच में से या अंदर से ऊपर की साइड से, यानी इस एरिया से ख़राब हो रही हैं, इसका मतलब प्लांट अनहेल्दी है। इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि प्लांट की लीव्स कितनी ज़्यादा ग्रीन है, सेंटर से न्यू ग्रोथ आ रही है इसके अंदर, तो इसका यही मीनिंग है कि प्लांट पूरी तरह से हेल्दी है। ये लीव्स जो मैंने रिमूव करी थी रीपॉटिंग के टाइम पर, इनको मैं इस तरह से इस पॉट के अंदर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका प्रोपोगेशन करने का तरीका। इस तरह से आप हेवोर्थिया ज़ेब्रा को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं घर के अंदर। इसको आप एटलीस्ट 1 मंथ तक का टाइम लगेगा प्रोपोगेट होने में। सो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा वेट करना होगा, इसको आप अच्छे से वाटर कर दीजिएगा और फिर आप 1 मंथ के आसपास इसको जब आप निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अंदर पप्स भी आते हैं, साइड में इसके पप्स आने लगेंगे, तो आप उन्हें इस तरह धीरे से हल्के हाथ से ट्विस्ट करके निकाल लीजिएगा और नए गमले में लगा दीजिएगा। साथ में ये फ्लावर भी करता है फ्रेंड्स, बहुत ही प्रीटी सा फ्लावर आता है, लंबा सा शूटिंग फ्लावर आता है इसके अंदर। एक लंबी सी स्टिक आएगी और उसके अंदर एक फ्लावर आएगा, जैसे कि कभी आपने देखा होगा स्पाइडर प्लांट के अंदर फ्लावरिंग किस तरह होती है, वैसे ही इसके अंदर भी फ्लावरिंग होती है, काफ़ी रेयर टाइमिंग्स पर होती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा क्यूट सा छोटा सा हेवोर्थिया ज़ेब्रा जिसको मैंने प्रोपोगेट करना और रिपोर्ट करना सिखाया फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गिव अस अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल हंग्री वेकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
If you believe in sustainable lifestyle and want to grow your own food, then here's a chance to join our kitchen gardening community on Graphy by Unacademy. We offer courses on basics of kitchen gardening, which let you grow your own organic vegetables at home. See you there!